सर ये जो एलओएस में एक लिखा हुआ था कि मेल डमी के अंदर हमने कैथेटर पास कर लिया, ऑस्बी में तो नहीं आएगा ना ये? ठीक है। और इसमें एक था कि एनाटॉमिकल फैक्ट्स बताने ऑफ मेल यूरेथ्रा फॉर सक्सेसफुल एंड कॉम्प्लिकेशन फ्री कैथेटराइजेशन। तो एनाटॉमिकल फैक्ट्स क्या बताएंगे? वैसे ये कि उसमें जो वो किंक है ना उसका पता होना चाहिए 90 डिग्री के, वो आपने बताया था एक बल्बो यूरेथ्रल पे एक परमानेंट किंक है वो पता होना चाहिए, और उस आगे दूसरा है तो वो तो सेकेंडरी है वो। हाँ, वो जब पीनिस को स्ट्रेट करेंगे तो वो भी स्ट्रेट। तो डिस्क्राइब द एनाटॉमिकल फैक्ट्स ऑफ मेल यूरेथ्रा फॉर सक्सेसफुल कॉम्प्लिकेशन। और उसको स्ट्रेट करने के लिए मैम ने शायद बताया था कि उसको ऊपर थाई की तरफ पीनस को करेंगे तो तब पीनस को स्ट्रेट करोगे तो वो दूसरा किंक पता होता है, और दूसरा मैम ने कहा था कि उसको थाई की तरफ करेंगे तो सेकंड वाला भी शायद क्लियर हो जाएगा। सेकंड वाला इसमें क्लियर नहीं होता है, ठीक है। हाँ, वो किंक रहेगा। अच्छा ठीक, इसको ओपन करो। और अच्छा, तो फिर एनाटॉमिकल फैक्ट्स में सिर्फ किंक वाला पॉइंट आएगा बस सर, और कुछ भी नहीं बताना? ठीक है। और डिस्क्राइब द फीमेल यूरेथ्रा कंपोनेंट्स। फीमेल यूरेथ्रा क्या कंपोनेंट्स है सर? वो तो मेल के हैं तो मैम फीमेल के लिए कंपोनेंट्स नहीं है। वो तो स्टेट बताएंगे, ब्लैडर से बाहर जा रहा है और 4 सेंटीमीटर का शॉर्ट है, एंटीरियर वजाइनल वॉल पे है सर। इस पे आपने एक पिक्चर बनाई थी, वो ये वाली, इस पे आपने कहा था ऊपर से यूट्रस है, आगे सर्विक्स यानी वॉल्स बने हुए हैं, ये ब्लैडर है, इधर आप कुछ कह रहे थे एंटीरियर और यहाँ दो अलग अलग डक्ट्स खुलती है फीमेल्स की, एक वजाइनल से रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीशन आ सकती है और जो दूसरी ओपनिंग उसमें से यूरिन की आ सकती है मेल्स में, जबकि दोनों सेम है प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे आगे। अच्छा ठीक है। और सर यहाँ है तो एक था कि डिमार्केट द एक्सटेंट एंड एक मिनट क्लियर आ जाए। यस, इसमें दूसरा है सर, इसको ओपन करना सर। इसमें दूसरा है डिमार्केट द एक्सटेंट एंड लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा। तो उसमें हम बता देंगे कि लेंथ तो ओवरऑल 20 है और प्रोस्टेट से आगे 15 सेंटीमीटर है, और उसके बाद एक्सटेंट में हमने पार्ट 4 सेंटीमीटर है, प्रोस्टेटिक पार्ट 1.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, और जो पीनाइल पार्ट है वो 15 सेंटीमीटर। प्रोस्टेट पार्ट 4 सेंटीमीटर, मेम्ब्रेनस पार्ट 1 सेंटीमीटर, और पिनाइल जो स्पंजी पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा वो 15 सेंटीमीटर। ठीक, और एक्सटेंट ऑफ मेल यूरेथ्रा इसमें क्या बताएंगे? एक्सटेंट में यही आएगा, ये कहाँ से कहाँ तक है, ब्लैडर के नीचे से शुरू होता है और क्या पोस्ट यूरेथ्रल, ब्लैडर के नीचे जो नेक वाला पार्ट है, ब्लैडर का नेक, प्री प्रोस्टेटिक और फिर प्रोस्टेटिक और फिर पोस्ट मेम्ब्रेनस। ठीक, आइडेंटिफाई 4 पार्ट्स ऑफ मेल यूरेथ्रा। तो प्री प्रोस्टेटिक ब्लैडर का जो नेक है, प्रोस्टेटिक जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर है, पोस्ट प्रोस्टेटिक और उससे आगे प्रोस्टेट के बाद मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस पार्ट, और उसके बाद स्पंजी पार्ट है, फिर आगे डिवाइडेड है उसमें, आगे फिर वो डिवाइडेड है पेंडुलस पार्ट में और बल्बस पार्ट में। अच्छा, लेकिन मैम ने कहा इसमें 4 पार्ट्स अगर हमने बताने, तो प्री प्रोस्टेटिक, प्रोस्टेट, मेम्ब्रेनस एंड पिनाइल स्पंजी पार्ट। ठीक हो गया। और लोकेट प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, तो इसको लोकेट करने का क्या होगा? मॉडल पे होगा, मॉडल पे होगा। एक मिनट सर, एक मिनट, इस पे सर बता दें, ये सर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। अच्छा, और दरमियान में यूरेथ्रा गुजर है, तो ये लोकेट भी हो गया। और इसकी लेंथ भी बता नहीं, आपने बताई 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 3 से 4। और आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर्स ओपनिंग इन द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, इसमें तो वही हो रहा है, सेमिनल वेसिकल्स और वैस डेफरेंस मिलकर एजेकुलेटरी डक्ट बना के ओपन हो रहे हैं बस। प्रोस्टेटिक ग्लैंड के इटसेल्फ भी अपनी सिक्रीशंस है। फॉर एग्जांपल कौन सी सिक्रीशन है इसकी अपनी, कौन सी होगी बस? अच्छा, नरिशमेंट के लिए शायद वो होगा, सीमन के और भी कंट्रीब्यूशन। ठीक है,
यानी दो सिक्रीशन होगी ना, एक एजेकुलेटरी डक्ट के थ्रू आ गई और इसकी अपनी सिक्रीशन आ गई। ठीक, तो इसमें बताया कि स्ट्रक्चर कौन से ओपन हो रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में यही बताएंगे ना, एजेकुलेटरी एक एक ही स्ट्रक्चर है एजेकुलेटरी डक्ट, और एक्सप्लेन इट्स एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी सर? किधर? यस सर, तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की क्या सिग्निफिकेंस है एनाटॉमिकल? यहाँ पे मर्ज होता है ना, जिसमें आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो आपका यूरिनरी सिस्टम, यानी मेल्स में प्रोस्टेटिक पार्ट वो वाइड पार्ट है, इससे आगे रिप्रोडक्टिव और यूरिन हमारा मिक्स वाला पाथवे है, मिक्स पाथवे मर्ज हो गया। एक यही सिग्निफिकेंस, इसके अलावा कोई नहीं है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की? दूसरी है कि यहाँ पे जो प्रोस्टेट लार्ज होता है, हाँ, बीपीएच में। यस सर, ये वाला पॉइंट भी समझ नहीं आया, तो वो आपने बताया था बीपीएच में क्या बताया था? बीपीएच होता है प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट समझ। अच्छा, बीपीएच प्रोस्टेट बाहर से लार्ज होता है तो उसको कंप्रेस करके नैरो कर देते हैं, तो यूरिन पास करने में मसला आता है। अच्छा, ठीक हो गया। तो सर यानी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की दो सिग्निफिकेंस होगी, एक सेम पाथवे मेल्स में यूरिन और रिप्रोडक्टिव सिक्रीशंस का, और दूसरा ये कि बीपीएच में जब वो एनलार्ज होगा तो यूरेथ्रा की नैरोइंग हो जाएगी, और इसकी लेंथ जो है वो वही है 4 to 3 centimeters, और लुकेट मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, तो वो लुकेट ऐसी होगा कि अच्छा ये इस, ये जो है यहाँ से नीचे होगा, अच्छा ये वाला सारा एरिया यहाँ तक, अच्छा ये सारा जो एरिया सर ये सारा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, अच्छा ये वाला है सिर्फ एरिया, अच्छा तो सर ये वाला हिस्सा जो है, ये जो बच रहा है हिस्सा, ये वाला ऊपर से यहाँ तक ये जो चकोर है, ये हमारे पास मेम्ब्रेनस पार्ट है। ठीक हो गया, ये मेम्ब्रेनस पार्ट हो गया। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा की, वॉलेंट्री एक्सटर्नल यूरेथ्र स्फिंक्टर को सराउंड करता है, बस यही होगी, नैरोस पार्ट होता है। ठीक है, दो सिग्निफिकेंसेज होगी, और इसकी जो लेंथ है वो 1 centimeter है, और लोकेट पिनाइल यूरेथ्रा, पिनाइल यूरेथ्रा फिर यहाँ से आगे होगा सारा। ठीक हो गया, और एक्सप्लेन इट्स एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस, इसमें बल्बो बल्बस पार्ट होता है जो परमिनेंट किंक है, ग्लैंड ऑफ लिटर आपने कहा था, ओवरऑल स्पंजी पार्ट में ओपन करता है, कूपर या बल्बो यूरेथ्रल, अच्छा एक ही नाम है। तो ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है सिर्फ मेम्ब्रेन्स पार्ट जैसे खत्म होता है उसके फौरन बाद ओपन होता है, और उसके आगे जितना भी एरिया उसमें सारे वो ग्लैंड ऑफ लिटर ओपन करते हैं। अच्छा, और डिफाइन कैथेटराइजेशन एंड फॉलेज कैथेटर, तो अगर कैथेटराइजेशन की सिर्फ वो कहेंगे वो डिफाइन करना है, तो हम लिख देंगे कैथेटर इज अ इंस्ट्रूमेंट इन विच आर रबर ट्यूब इज यूज टू एग्जामिन, ब्लैडर तक जाती है, ब्लैडर के नेक तक, ब्लैडर के अंदर तक। और आपने बताया भी था उसके तीन यूजेस भी हैं, यूरिन का वॉल्यूम पर आवर मेंटेन मॉनिटर करना, और दूसरा आपने बताया था कि अगर यूरिनरी रिटेंशन में क्या या ऑब्स्ट्रक्शन हो, यानी यूरिन नहीं आ रहा, यूरिन रिटेंशन है तो उसको निकालने में मदद करेगा, और ब्लैडर की इरीगेशन यानी ब्लैडर की सफाई भी कर सकता है अगर दो ट्यूब्स उसके अंदर से आ जाए, तो कैथेटराइजेशन में बस ये लिख देंगे, और फॉलेज कैथेटर में फिर क्या लिखेंगे क्योंकि अलग टर्म है। अच्छा, अभी इसमें एक मिनट लगेगा। लेकिन सर इधर इन्होंने लिखा है कि डिफाइन कैथेटराइजेशन एंड फॉलेज कैथेटर, एक ही चीज हम लिख रहे हैं। ठीक है, कोरिलेट एनाटॉमी ऑफ मेल यूरेथ्रा विद कैथेटराइजेशन, वो मैं बता रही हूं। उसमें क्या वैसे कोरिलेट कैसे, मतलब ये क्या वही कि उसका ख्याल रखना होता है कि लेंथ ज्यादा है मेल यूरेथ्रा की और इसमें किंक है, वो एक परमानेंट किंक को बस मद्देनजर रखना है। तो परमिनेंट किंग का क्या हमने करना होगा, हमें अगर पता है यहाँ परमिनेंट किंग है तो हम क्या करेंगे? अच्छा ठीक, डिस्क्राइब फीमेल यूरेथ्रा, तो वो तो स्मॉल सा यूरेथ्रा आउट ऑफ 4 centimeter, और बस यही बताना है, और सिर्फ इसमें सिर्फ यूरिन सिक्रीट करता है, 4 centimeter का यूटीआई बहुत कॉमन होती है फीमेल्स की यूरेथ्रा में।
डिफरेंशिएट कैथराइजेशन इन मेल्स एंड फीमेल्स, इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कैथराइजेशन? वही अगेन वही पॉइंट है कि थोड़ा सा फर्क होता है कैथराइजेशन उसमें जब आप करते हो तो किंग्स का ख्याल रखना होता है, लेंथ ज्यादा होती है, फीमेल्स में इतना कुछ नहीं, इजीली बस यही सर पॉइंट एक आएगा डिफरेंस का। अच्छा विच ग्लैंड ओपन इन पिनाइल यूरिथ्रा, तो दो ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ लिटर एंड बल्बो यूरिथ्रा। व्हाट इज फोसा टर्मिनलस इज मेल यूरिथ्रा, जो एंड की डायलेशन पार्ट होती है बिल्कुल, उसको फोसा टर्मिनलस या नेविकुलर फोसा भी कहते हैं। व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ फॉलेस कैथेटर कॉम्प्लिकेशन, ये आपने बताई थी। मोस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे सर फॉलेस कैथेटर की? फॉलेस कैथेटर कॉम्प्लिकेशन ये होती है इंफेक्शन हो सकते हैं, बहुत इंक्रीज चांसेस है बस। व्हाट इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ इन्फेक्शन इन मेल यूरिथ्रा, आपने बताया था नेविकुलर फोसा और फीमेल में कहीं भी हो सकता है। और व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिपीटेड इन्फेक्शन, आपने कहा तो स्ट्रिक्चर यानी नैरिंग हो जाएगी, और नैरिंग यानी वहाँ मिकोसा जब डैमेज होता है वो रिपेयर होकर वहाँ फाइबर्स बना देता है और उससे वो नैरिंग हो जाती है। और फिर उसके साथ आपने एक पॉइंट बताया था यूरिथ्रल साउंड वाला, वो कौन सा पॉइंट था? उसकी ट्रीटमेंट है। वो मैम ने कोई इंस्ट्रूमेंट दिखाया था यूरिथ्रल साउंड, तो इस साउंड का क्या मतलब है? क्या इंस्ट्रूमेंट का नाम है? वो देखा मैंने, लेकिन वो उसमें और कैथेटर में क्या फर्क है? वो थोड़ा बड़ा होता है, लोहे का होता है, कैथेटर रबर का, तो उससे वो सारे फाइबर्स क्लियर कर देता है। ये ऑब्वियसली जब वो वहां से लोहे का पीस गुजारते हैं तो फाइबर्स वहां तो रप्चर नहीं होने के चांसेस, लोहा गुजार है। हां तो वो फाइबर्स इतना बड़ा नहीं गुजारता ना कैलिपर का, यूरिथ्रा के कैलिपर का गुजारता है। सही हो, रिस्क होता है फिर भी। व्हाट आर यूरिथ्रल साउंड, तो इसमें क्या लिखेंगे? वही है साउंड्स, इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं जो आप यूज करते हो टू डायलेट स्ट्रक्चर्स। मेटल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डायलेट स्ट्रक्चर्स। व्हाट इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ रप्चर ऑफ यूरिथ्रा, वही जो इसका बल्बस पार्ट होता है वो। अच्छा सर वो क्यों? क्योंकि अक्सर जो इंजरी होती है स्ट्रैडल इंजरी होती है ना, तो स्ट्रैडल इंजरी में यूं करके जब बंदा गिरता है उसमें जो पार्ट नीचे जाके लगता है वो बल्बस पार्ट होता है। अच्छा ठीक हो गया। Why urethral infections are common in females? क्योंकि उनका urethra बहुत small है। ठीक हो गया। और बाकी इसमें तो ये सारा हो गया। Yes. और सर आपने कहा था तीन dilations हैं, एक तो navicular fossa, एक bulbo urethra और एक prosthetic part, और तीन narrowing भी है। Narrowing तो एक end पे है और एक membranous part में है, और दूसरी तीसरी नैरोइंग जहाँ पे नेक ऑफ ब्लैडर, नेक ऑफ ब्लैडर प्रो प्री प्रोस्थेटिक पार्ट। और तो इसमें कुछ भी नहीं है बस। ठीक हो और सर आपने कहा था जो नर्व है वो इंपॉर्टेंट याद रखनी है, कि नर्व जो स्फिंक्टर को सप्लाई करती है पेरिनियल ब्रांच ऑफ पुडेंडल नर्व है, वो वॉलंटरी स्फिंक्टर जितने भी हैं जेनिटल एरियाज में उनको सप्लाई करती है, और वो एनल कैनाल के वाले को भी करती है और एक्सटेंसर यूरिथ्रल स्फिंक्टर को भी करती है। और बाकी दो ग्लैंड्स का बताया था, बल्बो यूरिथ्रल वो मेम्ब्रेनस पार्ट में ओपन होता है, और ग्लैंड ऑफ लिटर जो है वो स्पंजी पार्ट में सारे में ओपन होगा। मेम्ब्रेनस में नहीं, मेम्ब्रेनस के नीचे, मेम्ब्रेनस के नीचे, हाँ बिलो मेम्ब्रेनस, यस। और तीसरी जो चीज़ है जो ओपन होती है वो सेमिनल वेसिकल्स और वेस डेफरेंस मिलकर जैकुलेटरी डक्ट बना के प्रोस्टेट पार्ट में ओपन हो जाएंगे। और कैथेटर के यूजेस हो गए रिटेंशन, वॉल्यूम मॉनिटर, इरिगेशन, और मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन फीमेल नेविकुलर वाला हो गया, ये भी है। ठीक, ब्लड सप्लाई सर आपने पहले इसकी इन्फीरियर वेसिकल यानी जो राउंड ब्लैडर है ये हो गया, इन्फीरियर वेसिकल और मिडल रेक्टर, मिडल रेक्टर जो है रेक्टल जो है वो प्रोस्टेट के अराउंड होती है, और इन्फीरियर वेसिकल जो होती है ब्लैडर के अराउंड होती है, और आपने कहा था फीमेल में एडिशनल जो होती है वो वजाइनल आर्टरीज होती है। और सो जो आपने डिफरेंस बताया तो आपने बताया था मेल और फीमेल में बस ए दो ही डिफरेंस है, एक लेंथ के और एक पार्ट के। लेंथ में 4 सेंटीमीटर है, मेल में 20 सेंटीमीटर है, और दूसरा मेल में कॉमन पाथवे है ना, कॉमन पाथ है, फीमेल में अलग अलग पाथवेज हैं सिक्रीशंस और यूरिन के, और पार्ट्स में आपने फर्क बस बताया था, और उसके अलावा तो बस यही था। यस यस सर, एक और चीज़ आपने बताई थी, ये किस रब था, ये जो सर आपने एलिवेशन बनाई थी, ये आपने एलिवेशन में कौन सा हिस्सा दिखाया था? ये प्रोस्थेटिक पार्ट दिखाया था ना, इसमें आपने कहा था कि क्रॉस सेक्शन में
क्रॉस सेक्शन में दरमियान से एक एलिवेशन होती है जिस तरह लंबी दिखाई थी यूरेथ्रल क्रस्ट, और इसके दरमियान में एक और बड़ी एलिवेशन होती है जिसको आपने बताया था वेरा ऑफ मोमेंट, वेरा मोंटेनम, या दूसरा नाम क्या बताया था, सेमिनल सेमिनल कॉलिक्यूलस। तो इसके अंदर आपने तीन डॉट्स बताए थे, उसका क्या मतलब था सर? एक इसमें जो सेंटर में डॉट होते हैं ना वो सिर्फ एक पिट होते हैं, पिट होती है, उसके पीछे कोई ओपनिंग शॉपिंग नहीं आती, और बाकी जो दो डॉट्स और जो उसके नीचे दो डॉट्स हैं वो उनकी ओपनिंग्स हैं, इजैकुलेटरी डक्ट्स, इजैकुलेटरी डक्ट्स की ओपनिंग्स हैं। और उसके साथ जो साइनसिस है उसमें आपने कहा था प्रोस्टेटिक ग्लैंड की सिक्रीशंस आ जाती हैं, ठीक है सर। और तो इसमें कुछ भी नहीं है ना सर, बस ठीक है। और सर आपने एक बस लास्ट में एक टिशू का नाम बताया था, इरेक्टाइल टिशू बल्बुलस बल्बस पॉन्जियोजम कहते हैं, ठीक हो गया, ये पूरे स्पंजी पार्ट को सराउंड करता है ना इरेक्टाइल टिशू, ठीक है। अच्छा तो इसमें यूरिथ्रा था, इसमें मेल के डिफरेंसेस हो गए, लेंथ पार्ट ये सर ने बताया था, इंटीरियर वजाइनल वॉल ब्लैडर है, यूरिट्रस सर्विक्स है, ये इसकी डायलेशन है वेस्टिब्यूल की फीमेल की, और ये फंक्शन फीमेल में सिर्फ यूरिन को एक्सक्रीट करता है जबकि मेल्स में दोनों काम एक ही जगह से हो रहे होते हैं, फीमेल्स के लिए अलग अलग होते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब ये मेल का ब्लैडर है, प्री प्रोस्टेटिक पार्ट, पोस्ट प्रोस्टेटिक पार्ट, और ये पोस्ट प्रोस्टेटिक पार्ट जिसमें ये दोनों के इर्द गिर्द क्या चीज़ बनी हुई है, ये हमारे पास बनी है पेरिनियल मेम्ब्रेन बनी हुई है, और इसमें एक्सटेंसर यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स को सराउंड करते हैं, वॉलंटरी होता है, और सोमैटिक स्प्लाइस की पुडेंडल नर्व होती है, और ये 1 से 2 सेंटीमीटर मेम्ब्रेनस पार्ट होता है, और इसमें बताया था कि नर्वस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा जो होता है वो मेम्ब्रेनस पार्ट ही होता है। और ये सारा तो कवर हो ही गया, क्रॉस सेक्शन और ये सारा पीपीएच वाला भी हो गया कवर, और ये नेक को ब्लैडर पे होता है, नेक को ब्लैडर जो प्री प्रोस्टेटिक पार्ट है 1 सेंटीमीटर का, उसमें इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर सराउंड कर रहा होता है, और ये बैक फ्लो ऑफ यूरिन को प्रिवेंट करता है, और जब यहाँ से सीमन की स्क्रीशंस होती हैं तो उसको भी बैक फ्लो ब्लैडर में जाने से जो रोकता है वो ये इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, और ये इनवॉलंटरी होता है, और ये वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी वाला हमारे पास मेम्ब्रेनस पार्ट पेरिनियल मेम्ब्रेन में होता है। उसके बाद ये स्पंजी पार्ट को हम पिनाइल यूरेथ्रा कहते हैं, इसमें बल्बस पार्ट होता है, और सेकंड पार्ट ये जो होता है ये परमानेंट किंक नहीं होता, ये किंक परमानेंट होता है, परमानेंट यहाँ से मुड़ा होता है, और ये इसका पेंडुलस पार्ट होता है, ये बल्बस पार्ट होता है, उसमें कोई भी कैथेटर नहीं डालते अगर इसमें पेरिनियल इंजरी हो, क्योंकि ये परमानेंट किंक है, इरेक्टाइल टिशू का ये नाम है। 15 सेंटीमीटर्स की लेंथ होती है बल्बस से आगे, वैसे ओवरऑल पीछे से सारा देखें तो 20 सेंटीमीटर्स की डायलेशन जॉइंट पे होती है, उसको नेविकुलर फोसा कहते हैं, इसकी 3 डायलेशन 3 नर्विंग्स होती है, ब्लड सप्लाई होगी है, और इसकी जो नर्व है जो पुडेंडल पेरिनियल ब्रांच ऑफ पुडेंडल नर्व है, ये सारे वॉलंटरी स्फिंक्टर्स को सप्लाई करते हैं, जेनिटल में एनल किनार और एक्सटेंसर यूरेथ्रल स्फिंक्टर को, और जो ये दो ग्लैंड्स ओपन होते हैं, 3 यूजेस हैं, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन और रिपीट इन्फेक्शन, ये सारा कवर हो गया, और ये एंड पे बस ये है, और तो कुछ भी नहीं है। यस तो इधर हमारा ये सारा यूरेथ्रा कवर हो गया।